नमस्कार, आप देख रहे हैं UFT न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। अनमोल मनुष्य जीवन क्यों मिला है, इसका क्या उद्देश्य है, कैसे पूरा होगा, कैसे प्रभु मिलेंगे, इसमें क्या क्या बाधा आती है, सब तरह का ज्ञान अपने सत्संग में करा देने वाले, भक्त की संभाल यहां और वहां करने वाले, सर्व व्यापक सर्व समर्थ वक्त के महापुरुष, पूरे समर्थ संत सदगुरु, दुखहर्ता दीन बंधु, उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी ने बताया कि सांसों की पूंजी भजन करने के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए मिली है, लेकिन लोग इसे इधर उधर खर्च बर्बाद कर देते हैं। जिसको आदमी अपना सगा समझता है, उन पर इस दुनिया को कमाने में व्यर्थ कर देता है, फिर अंत समय खाली हाथ ये सब छोड़ कर चल देता है। इसलिए अपना असली काम पहले करो। जानकर भेदी न मिलने के कारण भौतिक ज्ञान वाले आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं समझ पाते हैं। सत्संग में सुख शांति और मानव का परमार्थ है। सत्संग सुनते रहो। देखो प्रेमियों, सांस की पूंजी ये मिली, इसलिए मिली, भजन के लिए मिली, आत्मा के कल्याण के लिए मिली। और देखो लोग इन सांसों की पूंजी को कैसे कैसे कहाँ खर्च कर रहे हैं। आप ये समझो कि सांसों की पूंजी को बर्बाद करने वाले ये नहीं समझो कि सब लोग हैं, जिनको आदमी अपना समझता है, जिनको आदमी मददगार समझता है, जिनको आदमी ये समझता है कि हमारे हर मुसीबत में, हमारे जवानी में चाहे बुढ़ापे में कैसे भी हो, ये मददगार होंगे, ये हमारा पुत्र है, हमारा परिवार है, हमारी पत्नी है, हमारे पति, ये सब लोग क्या करते हैं, ये सब लोग जो तो समन काम करते हैं, वही काम करते हैं। दुश्मन क्या काम करता है? दुश्मन खत्म करने का काम करता है। दुश्मन क्या करता है? धन को खत्म करता है, प्रतिष्ठा को खत्म करता है। दुश्मन क्या करता है? राज को खत्म करता, करने की सोचता है, करता है। दुश्मन शरीर को भी कटवा मरवा देता है। तो एक तरह से सच पूछा जाए तो समझो कि जो कैसे कहते हैं, ज्यादा पिठास में कीड़े पड़ जाते